नबी ने अपने उम्मत को ऐलान किया जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक होने का, हर नबी ने आके ऐलान किया अपनी नबूवत का और खुदा के एक होने का। तो उम्मत ने आगे से सवाल किया, नबियों बताओ खुदा है, तुमने देखा है? तुमने देखा है? आगे से हर नबी का जवाब ना में आता कि मैंने नहीं देखा। ए जनाबे आदम, आपने नबी को अल्लाह को देखा है? आवाज आई, नहीं देखा। ए जनाबे इब्राहिम, आपने देखा? फरमाया, नहीं देखा। ए इस्माइल, आपने देखा? फरमाया, नहीं देखा। ए जनाबे हजरत यहया, ए हजरत लूत, ए हजरत दानियाल, ए जनाबे ईसा और मूसा, आपने अल्लाह को देखा? आवाज आया, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। ए ईसा, तूने देखा? आवाज आई के देखने की कोशिश की थी, नहीं देख पाया। मूसा, आपने देखा? फरमाया, ऐलान है अल्लाह की दरबार में, मैंने आज कुनी की थी कि या अल्लाह अपना दीदार अता करवा, लेकिन नहीं देख सका। तो फिर कैसे कहती हो अल्लाह एक है? कहा, अपनी तरफ से नहीं, जिब्रील से सुन के कहते हैं अल्लाह एक है। जिनके की जुबानें नहीं बोल सकती, तो मैं तो उनसे नाबमान कुछ नहीं कह सकता। जिनको रब ने जुबानें दी है वो अल्लाह के नाम पे जरा बोले सुभान अल्लाह, तस्बीह बोले। नहीं देखा, बिन देखे अल्लाह का ऐलान कर रहे हैं और जिब्रील से सुन के ऐलान कर रहे हैं। अब अल्लाह कायनात आलम का रब ये चाहता था कि इन नबियों में भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना, कोई तो ऐसा हो जो मेरा हबीब भी हो, मेरा महबूब भी हो, मेरा नबी भी हो, मेरा पैगंबर भी हो, मेरा रसूल भी हो, फिर सारे नबियों से भी आला हो, सारे रसूलों से भी आला हो, सारे पैगंबरों से भी आला हो। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि माँ सिवाय तेरे मेरे नबी के ये हिस्सा किसी और के हिस्से में आ ही नहीं सकता था। तो मेरे आका को रब ने रात की तारीकी में बुलाया, महबूबा सब ने बिन देखे ऐलान किया है, तू देख के ऐलान कर खुदा मौजूद है। जब तुझसे सवाल करेंगे कि खुदा एक है, कह देना एक है। जब सवाल करेंगे देख के कह रहे हो या बिन देखे पहले नबियों की तरह कह रहे हो, तो तू ऐलान कर देना, बिन देख के नहीं कह रहा, अपनी आंखों से देख के कह रहा हूं खुदा।